अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारे लोग अपनी बाइक का जो फ्यूल मिक्सचर है उसकी सेटिंग बिल्कुल सही तरीके से करते हैं जैसे मैंने बताया होता है, जैसे लोग बताते हैं, उसके बावजूद उनका स्पार्क प्लग है वो हल्का हल्का सा ब्लैक निकलता है। तो उनके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका जो स्पार्क प्लग है वो ब्राउन ही निकलेगा। मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि आपके बाइक का स्पार्क प्लग है वो वाइट निकले या वो ब्राउन निकले या वो ब्लैक निकले खुश्क या वो निकले ब्लैक गीला, तो इसमें क्या क्या निशानी होती है, ठीक है। उससे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, बहुत जगह आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की जो बाइक है वो बिल्कुल ट्यूनअप होती है, उसके बावजूद सेटिंग भी वो अच्छे से करते हैं कार्बोरेटर की, फिर भी उनका स्पार्क प्लग जो है वो हल्का हल्का सा जो है वो ब्लैक निकलता है। उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमारा जो स्पार्क प्लग है वो बिल्कुल जो है वो ब्राउन कलर का निकले। तो उनके लिए मैं ये टिप बताने वाला हूँ, अगर तो आपका बहुत ज़्यादा ब्लैक निकल रहा है ना तो फिर तो डेफिनेटली आपको जो कार्बोरेटर है वो साफ होकर उसकी सेटिंग दोबारा होने वाली है और आपका फिल्टर वगैरह भी ठीक होना चाहिए। ये मैं सेटिंग बताने वाला ना आपको, सेटिंग करने के बाद एक टिप होती है वो मैं बताने वाला हूँ। ये आपने तब करनी है जब आपने बाइक का जो फिल्टर है वो भी आपने साफ करके अच्छा डाला हुआ, नया डाला हुआ आपने, यानी कि आपका जो बाइक का है ये कार्बोरेटर साफ भी है और कार्बोरेटर की सेटिंग भी जैसे मैंने होती है वैसे आपने की होती है। उसके बावजूद आपको ये स्पार्क प्लग वो कर निकलता है हल्का हल्का सा ब्लैक खुश्क, हल्का हल्का से निकलेगा क्योंकि अगर आप प्रॉपर सेटिंग कर लेंगे ना इसकी जैसे मैंने वीडियो बताई हुई है तो उसके बाद ब्राउन ही निकलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का हल्का हल्का ब्लैक निकलता है। उस हल्का हल्का से जो ब्लैकपन है ना उसको खत्म करने के लिए मैं आपको यहाँ पर टिप देने वाला हूँ। सबसे पहले जो मैं टिप देनी है ना वो सेटिंग के बाद होनी है, नोट भी मैं कैसे बताऊँ सेटिंग करते जो कि बिल्कुल ठीक होती है क्या आपने बाइक को आज हम कर, या मैं आपको ना स्टार्ट करके देता हूँ क्योंकि वो आवाज़ ज़्यादा आती है, मैंने पहले को बताई भी है। नॉर्मली मैंने क्या सेटिंग बताई हुई है कि ये देखिए नॉर्मली आपने बाइक को वार्म अप करना है, जब आपकी बाइक गर्म होगी आपने ये रेस वस्ट होता है इसको जैसे इतना घुमा देना है कि बाइक आपकी यानी कि रेस भर जाकर बाइक बंद ना हो, बस इसको आप थोड़ा सा बढ़ा देना है, यानी कि यहाँ पर है तो आप बेशक इसको इतना कर दें तो बाइक आपकी अब स्टार्ट है, ठीक है, रेस थोड़ी ज़्यादा की हमने यहाँ से। उसके बाद आपने इसको मुकम्मल टाइट करना था, ये होता है पेट्रोल वाला स्क्रू, नए मॉडल में दोनों उस साइड पर होते हैं ओल्ड मॉडल में इस साइड पर होते हैं, और इसको आपने पूरा ऐसे टाइट कर देना होता है, ये देखिए ऐसे टाइट कर देना स्टार्ट आपकी बाइक में, ये जहाँ पर जाकर बंद हो जाएगी ना जैसे कि ये यहाँ पर बंद हो गई है, ठीक है। अब सुबह मुझे टाइट होता है आपने इसको बाद ऐसे ऐसे इसको पीछे करनी है, ठीक है, बाइक आपकी स्टार्ट ही है। अब यहाँ पर जब आप टाइट करेंगे ना इसको मुकम्मल ऐसे तो आपकी रेस कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपने इनका पास कम हो जाएगी बाइक की, फिर आपने हल्को का खोलना था इसको ऐसे ऐसे करके इस तरीके से, फिर जहाँ पर आपकी बाइक जो है सबसे ज़्यादा आवाज़ कर रही हो ना, यानी कि जहाँ पर अगर आपकी सबसे ज़्यादा आवाज़ कर रही हो बाइक, इसके बाद मजीद करने पर जो है वो फ़र्क नहीं पा रहा या रेस कम हो रही है फ़र्क नहीं पा रहा, तो फिर आपने इसको वहीं पर छोड़ना है उस पॉइंट पर जहाँ पर आवाज़ सबसे ज़्यादा हो गई, यहाँ पर छोड़ दिया बस आपकी सेटिंग हुई थी। उसके बाद आपने इसको दोबारा से जहाँ पहले थी आपने इसको ले आना है ऐसे, ठीक है। ये सेटिंग करने के बाद ये सबसे बेस्ट तरीका होता है और यही सब लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका जो है ना वो 95% चांसेस होता है कि आपका जो स्पार्क प्लग है ना वो आपको वहाँ पर ब्राउन ही निकलेगा, मेरी बाइक का ही ब्राउन निकलता है, ठीक है, बहुत सारी बाइक से निकलेगा, लेकिन कोई थोड़ा बहुत केस होते हैं जिनमें हल्का हल्का सा ब्लैक निकलता है। ये सेटिंग करने के बाद अगर निकला भी ना तो बहुत हल्का हल्का सा ब्लैक निकलेगा। तो उसके बाद जो टिप है ना वो आपको देने वाला वो आप ज़रा सुनिए कि आपने क्या करना है कि अब ऐसा नहीं करने के बाद आपने बाइक थोड़ा चला ली 3-4 किलोमीटर चलाई, आपने देखा यार आपका स्पार्क प्लग जो है वो आपका नहीं निकला पूरा प्रॉपर ब्राउन ही निकला, थोड़ा थोड़ा ब्लैक निकला, तो आपने क्या करना है कि इसको यहीं पर रखा देना, आपको कुछ भी और चाहिए ना, आपने इसको 1 क्वार्टर जो है ना जैसे कि ये एक ऐसा दायरा है ना, ये देखें ये इसके 4 हिस्से होते हैं, ये इसके चौथे, यानी कि एक चूड़ी पूरी इतनी होगी ना, पूरी इतनी एक चूड़ी होती है, एक सर्कल इतना होता है, इसके 4 हिस्से कर लें आप, तो एक जो हिस्सा होगा ना वो आपने इसको अगर 70 है तो आपने इसको घुमा देना है एंटी क्लॉक वाइज, अगर 125 है तो आपने इसको क्लॉक वाइज घुमा देना है। जहाँ पर आपकी यानी कि बाइक की सेटिंग थी ना जो मैंने बताई जो जेनवन होती है, इसके बाद आपका ब्राउन ही निकलेगा, लेकिन नहीं निकला तो आपने क्या करना कि बस आपने इसको इतनी चूड़ी जो है ना इसकी 1 क्वार्टर आपने इसको घुमा देना है, इतना बनता है 1 क्वार्टर, ठीक है, इतना बस आपने इसको इतना छोड़ देना है। उसके बाद आपको जो स्पार्क प्लग है ना वहाँ पर अच्छा अगर 70 तो आपने इसको यानी कि एंटी क्लॉक वाइज ही आपने टर्न किया, ठीक है, अगर 125 तो आपने उसका क्लॉक वाइज टर्न कर देना है, यानी कि यहाँ पे होगी ना ऐसे होगा पेज का आप ऐसे चूड़ी होगी तो आप इसको वापस से इतना आपने एक चूड़ी इसको कर देना है आपने टाइट, ठीक है। अब ये 70 इसका हमने लूज़ करना है, उसका उल्टा है, ये पहले यहाँ पर थे रखी जब आपकी बाइक जब साड़ी का आपने ओरिजिनल की थी मैंने बताया था, अब आपका जो स्पार्क प्लग है वो ज़्यादा नहीं निकल रहा ब्राउंड, थोड़ा थोड़ा ब्लैक निकल रहा, तो आपने इसको क्या क्या 1 क्वार्टर आपने इसको वापस से एंटी क्लॉक वाइज इतना घुमा देना 70 में। अब आप बाइक को चलाएं 3-4 किलोमीटर आपका डेफिनेटली वहाँ पर जो है ना ब्लैकपन वो या बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा या फिर वो बहुत कम हो गया होगा पहले इस पर, अगर तो कम हो गया तो आपने इसको यहीं पर छोड़ देना है, ठीक है, अगर नहीं कम हुआ तो आपने फिर मजीद एक चूड़ी इसको आपने मजीद पीछे की तरफ कर लेना है 70 में, ठीक है, और 125 में आपने आगे की तरफ कर दिया मैंने बताया या फिर 2 चूड़ी कर ली, अब इसके बाद आपका 100% जो प्लग है वो आपका वहाँ पर ब्राउन ही निकलेगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेट्स सपोज 0.1 केसेज में अगर नहीं निकल रहा फिर भी काम तो हो गया होगा डेफिनेटली, लेकिन अगर नहीं निकला तो आप इसकी ये आप दोबारा से 1 क्वार्टर आप इसको इतना घुमा दें, ठीक है, वापस कर दें, और 125 मैंने बताया कि आपने टाइट कर लिया ना, तो ये तरीका होता है बेहतरीन। वैसे दोबारा से बता रहा हूँ कि जो चांसेस है ना
मैंने सेटिंग बताई ना मैंने आपको, रेस पर हाथ देनी है, उसके बाद मिक्सर को पूरा टाइट करने पे ऐसा काम करना है जहाँ पर बाइक सबसे ज़्यादा पास करी वहाँ छोड़ देना है। इस पर 95% चांसेस होते हैं कि आपका ब्राउन निकलेगा, लेकिन नहीं निकलता तो मैंने आपको टिप बता दी है कि आपने एक एक क्वार्टर पे चेक कर जाना है, एक क्वार्टर पे चेक करना है, बाइक चलानी है आपने नॉर्मली जैसा चाहते हैं, फिर घर आकर देखना प्लग खोलना, अच्छा अभी भी नहीं निकला ज़्यादा ब्राउन, फिर आप थोड़ा सा इंजन पे चका देना फिर निकल जाएगा इन शाला, और काम तो हो ही जाएगा। तो ये तरीकाकार होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 70 में जो है ना खोलने से कम होता है या बंद करने से ज़्यादा होता है। नॉर्मली देखा जाता है कि 70 बाइक में जो होता है ना खोलने से ही कम होता है पेट्रोल, और 125 में बंद करने से टाइट करने से जो है वो पेट्रोल कम होता है। ये होता है नॉर्मल तरीका। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा खोल देते हैं ना बहुत, जैसे अगर आपको पता है कि यार ये लूज़ करने से जो मेरा पेट्रोल है वो यहाँ पर बाइक कम लेगी, आप उसको बहुत ज़्यादा खोल देते हैं तो आपकी बाइक मिसिंग करेगी, फिर क्या होगा कि मिसिंग की वजह से आपकी जो है वो बाइक सही से चलेगी नहीं, फिर उल्टा और पेट्रोल लगेगा, ठीक है, मिस फायर करेगी बाइक। तो ये तरीका होता है कि आपने सबसे बेहतरीन तरीका ये था कि आप बाइक को स्टार्ट करना है, रेस बढ़ा देनी है, उसके बाद मिक्सचर को पूरा टाइट कर देना है, ऐसे ऐसे आपने लूज़ करते जाना है, तो आपकी बाइक जहाँ पर सबसे ज़्यादा आवाज़ करेगी ना वहाँ पर आपको छोड़ देना है, वहाँ पर आपका ब्राउन कलर का प्लग ही निकलेगा। लेकिन इन केस 5% केसेस में अगर नहीं निकलता तो आपने ज़्यादा नहीं, आपने सिर्फ एक एक चूड़ी जो है पीछे करी जा रही है, एक चूड़ी नहीं एक 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 क्वार्टर, एक क्वार्टर इतना होता है, ये दायरा का है ना इसका 4 हिस्से, तो ये एक हिस्सा कितना बनेगा, ये इतना, ये इतना ऐसे ही है ना, यहाँ से हम यहाँ ले आए तो उसके बाद ब्राउन निकलेगा, वरना काम तो हो ही जाएगा, नहीं होता तो आप एक चूड़ी और करेंगे तो फिर तो हो ही जाएगा। तो बस फ्रेंड ये था आज की वीडियो, मेरा नाम है तैयब अजीज, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।